वन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो नॉमन क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम नॉमन क्लेशियर देखेंगे जिसमें हम पढ़ रहे थे प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन का नॉमन क्लेचर सो आज से हम स्टार्ट करते हैं अमीन का नॉमन क्लेचर दैट मीन्स नॉमन क्लेचर ऑफ एमाइंस तो जी हम लोगों ने प्राइमरी अमीन का नॉमिन क्लेशियर देख लिया था जैसे कि मैंने आपको बताया था प्राइमरी अमीन का जैसे मान लें हमने एग्जाम्पल लिया सी एच थ्री सी एच टू एंड एन एच ई टू अब इसका हमको नामकरण करना है जी तो हमने आपको बताया था इसका नॉमन क्लेचर तो हम कैसे कर सकते हैं हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे नंबरिंग किसका करते हैं हम कार्बनिक कार्बन का नंबरिंग करते हैं कार्बन एटम्स का तो वन कार्बन एंड हीयर सेकेंड कार्बन सो वी हैव हीयर टू कार्बन नंबर ऑफ कार्बन हीयर टू एंड दो कार्बन है हमारे पास दो कार्बन के लिए हम शब्द मूल क्या यूज़ करते हैं एथ एथ वर्ड का यूज़ करते हैं एंड देखेंगे यहाँ पर कार्बन कार्बन जो एटम्स हैं इनके मध्य क्या है देख लें इनके दरमियान जो है सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन वर्ड का यूज़ करते हैं तो क्या हो गया एथेन एंड देन यहाँ पे आप देख रहे हैं एन एच टू ग्रुप है एन एच टू ग्रुप के लिए हम एमीन वर्ड का यूज़ करते हैं कौन से वर्ड का एमीन वर्ड का यूज़ करते हैं सो so, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे एमीन इथेन अमीन अब आप यहाँ पे आपको एक नियम बताया जाता है हर एक वीडियो में लगभग आपको कई बार बताया जा बताया जाता है कि जब भी द्वितीयक अनुलग्न ये क्या है सेकेंडरी सफिक्स द्वितीयक अनुलग्न है जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवल से स्टार्ट हो तो प्राथमिक अनुलग्न कहीं हट जाता है सो so, इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनामीन इसका नाम हो जाएगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथेनामीन इथेनामीन भी बोल सकते हैं इथेनामाइन भी बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन यू दैट वॉट योर प्रोनाशिएशन ठीक है सो हमने बता दिया इसका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या है इथेनामीन तो जी अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसे हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया सी एच थ्री सी एच टू सी एच एंड हियर वी हैव पुट सी एल एंड योर एन एच टू अब इसका नामकरण हमको करना है जी तो हम क्या करें? सब करेंगे सबसे पहले नंबरिंग करेंगे यहाँ पे देखें एक दो तीन हमने इसको नंबरिंग में क्यों नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे कार्बन ना हो कि नाइट्रोजन है और हम नंबरिंग या फिर अंकन उसका करते हैं किसका करते हैं हम अंकन कार्बन का कार्बन का अंकन करेंगे तो ये तो कार्बन है नहीं यहाँ पे नाइट्रोजन है तो इसीलिए इसका अंकन हम नहीं किए अब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोरो आया हुआ है क्या आया हुआ है क्लोरो एंड क्लोरो जब भी आ जाए तो ये क्या होता है सेकेंडरी प्रिफिक्स दर्शाता है सेकेंडरी प्रिफिक्स दैट मीन्स द्वितीय पूर्व लगा द्वितीय लग्न सबसे पहले दर्शाया यू पी एस सी नियम में सो so, ये सबसे पहले दर्शाया जाएगा तो वन पहले नंबर पर इसका लोकेशन भी दर्शाना पड़ेगा कि किस कार्बन पर उपस्थित है ये तो क्या हो जाएगा इसका नाम वन क्लोरो एंड देन uh, देख रहे हैं आप मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है तीन कार्बन तीन कार्बन के लिए शब्द मूल क्या यूज किया जाता है प्रोप एंड देन सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा एंड एनेस्ट्रो ग्रुप है एनेस्ट्रो ग्रुप के लिए द्वितीय अनुलग्न क्या लगाया जाता है अमीन लगाया जाता है फर्स्ट नंबर पे है तो चाहे आप पहला नंबर लगाएं चाहे ना लगाएं अब आप देख रहे हैं आपके द्वितीय अनुलग्न जो है किसी वावल से स्टार्ट हो रहा है तो प्राथमिक का अनुलग्न कहीं का हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेनामीन क्या हो जाएगा वन क्लोरो प्रोपेनामीन इसका नाम हो गया वन क्लोरो प्रोपेनामीन वन क्लोरो प्रोपेनामीन इसका नामकरण हो गया जी तो वो ये भी हो गया अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं उसका भी नामकरण देख लेते हैं तो जी हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया अब इसका भी हम नम, नंबरिंग करेंगे एंड इसका भी नामकरण नामकरण हम देख लेते हैं पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये तीसरा एंड ये चौथा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं चार कार्बन परमाणु हैं यहाँ पे आप देखिए ब्रोमीन आया हुआ है ब्रोमीन क्या होता है द्वितीय पूर्व के रूप में यूज़ होता है तो ये फर्स्ट नंबर पर है क्या हो जाएगा यहाँ पर वन ब्रोमो ये हो गया उसके बाद शब्द उमूल देखें चार कार्बन है चार कार्बन के लिए शब्दमूल क्या यूज करेंगे ब्यूट वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड ब्यूट हो जाएगा उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड भी है यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड भी है किस नंबर पर है किस पोजीशन पर दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड भी है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन ना लिखकर हम ईन लिखते हैं क्या लिखते हैं ईन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पर है टू इन उसके बाद पहले नंबर पर आप देख रहे हैं अमाइन भी है तो वन अमाइन अब देखिए आप द्वितीय का अनुलग्न जो है एनेस्टू के लिए लगा है अमाइन द्वितीय का अनुलग्न किससे स्टार्ट हुआ है वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो प्राथमिक का अनुलग्न का ये हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन वन ब्रोमो ब्रोमो ब्यूट टू इनामाइन इनामाइन या फिर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है वन ब्रोमो टू ब्यूटिना माइन वन ब्रोमो टू ब्यूटीना माइन वन ब्रोमो टू ब्यूटिनामाइन माइंड वन ब्रोमो टू ब्यूटिना माइन सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा एंड देन आगे भी कुछ हम देख लेते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है सी एच थ्री सी एच टू सी एच एंड हियर सी एल सी एच एन एच टू एंड इधर दे दिया गया सी एच थ्री अब इसका हम नंबरिंग करेंगे सबसे पहले तो आप इसका नंबरिंग कर लीजिए नंबरिंग करेंगे वहाँ से नंबरिंग हम करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक भी पड़े तो क्रियात्मक समूह ये रहा हमारा तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे एक दो तीन चार पाँच इसमें कितने कार्बन है पांच कार्बन है अब यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरो आया हुआ है क्लोरो क्या होता है द्वितीय पूर्व लग्न जो कि छूटा हुआ ग्रुप होता है तो प्रतिस्थापी के रूप में यूज़ होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तीसरे नंबर पे है तो क्या हो जाएगा इसका नाम थ्री क्लोरो तीसरे नंबर पे है इसीलिए क्या आ गया थ्री क्लोरो उसके बाद देखेंगे मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन पांच कार्बन पांच कार्बन के लिए पेंट आ, थ्री क्लोरो पेंट उसके बाद कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा एन थ्री क्लोरो पेंटेन एंड देन एमीन ग्रुप एन एच टू ग्रुप किस नंबर पे उपस्थित है किस पोजीशन पे दूसरे नंबर पे एमीन उसके बाद टू एनएच टू ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं अमाइन तो ये हो गया अब देखें आप द्वितीय का अनुलग्न किससे स्टार्ट हो रहा है किसी वावल से स्टार्ट हो रहा है प्राथमिक अनुलग्न कहीं हट जाएगा तो ये इसका नाम हो जाएगा थ्री क्लोरो पेंटेन थ्री क्लोरो पेंटेन टू अमाइन या फिर इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है थ्री क्लोरो टू पेंटेनामाइन थ्री क्लोरोनाइन सो ये हो गया इसका नामकरण सो so, अब आगे इसको मिटाते हैं एंड देन हम नेक्स्ट नॉमन क्लेचर देखते हैं सेकेंडरी एमीन का सो so, अब हम देखते हैं नॉमन क्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन नॉमन प्लेचर ऑफ सेकेंड्री एमीन सॉरी नॉमन प्लेचर ऑफ सेकेंडरी एमीन सो ये है सेकेंडरी एम मैनी मैंने आपको बताया था सेकेंडरी अमीन क्या होता है अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाता है तो इसका नामकरण कैसे होता है जी अनियम जान लें इसका नामकरण होता है एन एल एन एल्किल किल एन एल्किल किल अब हम आपको बताते हैं ये कैसे लागू हो लागू होगा तो जैसे आपको बताया जाए नियम नियम आपको बताया गया एन एल्किल किल ऐसा होता है सो so, एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसका मान ली एग्जाम्पल दिया गया अब इसको आ, इसका हमको नामकरण करना है तो इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं तो आ, देखें जी अब यहाँ पे किसको हम एन एल मानेंगे और किसको एल के मानेंगे तो जो छोटी श्रृंखला होगी उसे एन एल्किल मानेंगे और जो बड़ी श्रृंखला होगी उसको एल्केनामीन मानेंगे लेकिन अब यहाँ पे देखें यहाँ पर तो सेम कंडीशन है इधर भी सी एच थ्री इधर भी सी एच थ्री तो दोनों तन तो एच के एन एच ग्रुप के दोनों साइड में क्या है सेम ग्रुप है सी एच थ्री सी एच थ्री तो किसी को भी आप यहाँ पर एल्किल मान लें किसी को भी एल्के मान लें जैसे आप दूसरा एग्जाम्पल देखें सी एच थ्री सी एच टू एन एच एंड ही सी एच थ्री अब यहाँ पे देखिए आप इस एन एच ग्रुप के दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप है एन एच ग्रुप के दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप हैं यहाँ पे आप देखें एक ही कार्बन उपस्थित है यहाँ पे दो कार्बन प्रेजेंट है एक कार्बन इधर एंड एक कार्बन इधर इधर दो कार्बन प्रेजेंट है तो दो कार्बन वाला बड़ी श्रृंखला है तो बड़ी श्रृंखला वाले को क्या मान लेंगे एल्केरामीन छोटी श्रृंखला को मान लेंगे एल्किल एंड एल्किल के साथ हम एन भी जोड़ेंगे क्यों क्योंकि ये एन एच नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ऐसा आएगा एमीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा तो आप देखें यहाँ पर किसी को भी एल्किल मान लें किसी को भी एलकेरामीन तो क्या हो जाएगा एन मेथिलेथेना मीन एन मेथिल मेथेना मीन अब हम आपको यहां पे एल्क के स्थान पे हम बताएं एल्क का मतलब क्या होता है एल्क का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या तो यहां पे कितने एल्क है एल्क का मतलब कार्बन कितने हैं एक कार्बन एक कार्बन के लिए क्या हो गया मेथ हो गया लास्ट में वाई एल आ रहा है तो वाई एल वैसे उतार देंगे क्या हो गया एन मेथिल एंड उसके बाद इस तरफ देखें मान लें हम इसको माने हैं मेथेनामीन मेथेमीन इसको माने एल्केमीन एल्क का मतलब क्या आ गया कार्बन परमाणुओं की संख्या एक ही कार्बन परमाणु है इसलिए मेथ लग गया उसके बाद एनामीन लास्ट में लगा दिए ठीक है अब यहां पर भी आप देखें कि एन एल्किल एल्केनामीन एन एल्किल किसे मानेंगे जो छोटी श्रृंखला

एंड सी टू एच फाइव अब आप देख सकते हैं एन एच ग्रुप के दोनों साइड सेम कार्बन परमाणु हैं इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन तो किसी को भी एल्किल मान ले आप किसी को भी एल्केरामीन मान ले तो या इसका नाम क्या हो जाएगा एन एथिल एथनामीन एन एथिल अब एथिल क्यों लगा एथ एथ का मतलब दो कार्बन दो कार्बन इधर उपस्थित है तो दो कार्बन हो गया लास्ट में क्या लगाना है वाई एल तो क्या हो गया एन एथिल हो गया उसके बाद क्या है एल्क एल्केनामीन तो एल्क का मतलब दो का एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितने कार्बन है दो कार्बन दो कार्बन के लिए एथ लग जाएगा सिंगल बॉन्ड ही है एन लग जाएगा एन एच ग्रुप के लिए एमिन लग जाएगा एथेनीन तो इसका नाम आपको समझ में आया होगा एन एथिल एथेनीन एंड अगला एग्जाम्पल है अगला एग्जाम्पल दिया गया है सी एच थ्री एन एच सी एच टू सी एच टू एंड यो सी एच थ्री अब इसका नाम क्या हो जाएगा जी यहाँ पे देखें कि ये जो छोटी श्रृंखला है इसको क्या मान लेंगे एन एल्किल मान लेंगे और ये बड़ी श्रृंखला है इसे एल्केनामीन मानेंगे तो छोटी श्रृंखला एन एल्किल एन एल्किल एल्किल कितने कार्बन है यहाँ पे एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा एन मेथिल क्या हो जाएगा एन मेथिल अब एल्केनामीन में एक दो तीन तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेनामीन एन मेथिल प्रोपेनामीन तो so, ये हो गया सेकेंडरी uh, एमीन का नॉमन क्लेचर अब हम आगे देखते हैं टर्सरी एमीन का नॉमन क्लेचर दैट मीन्स नॉमन क्लेचर ऑफ टर्सरी एमीन नॉमन क्लीचर ऑफ टर्सरी एमीन कैन चोरी तो जी अब हम देखते हैं नॉमन क्लेचर ऑफ टर्सरी एमीन अब टर्सरी अमीन क्या होगा जी टर्सरी अमीन में क्या होगा नाइट्रोजन के तीनों साइड ये जो नाइट्रोजन है इसके तीनों साइड में क्या जुड़े होंगे एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे अब नाइट्रोजन के तीनों साइड क्या जुड़े होंगे एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो अब इसका नामकरण हम कैसे करेंगे इसको आप अच्छे से देख लें एक तो पहला है जी पहला पहला नियम है इसका एन एल्किल एन एल्किल एल्केना एन एल्किल एन एल्किल एल्केना या फिर दूसरा है डाई डाई सॉरी एन कॉमा एन डाई एल्किल, एल्किल मीन अब आ, आ, दो नियम हैं जी अब इनमें से दोनों नियम में से दो नियम कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे ये भी हम आपको अच्छे तरीके से बता दें आप यहाँ पे देखें जैसे कि दो एग्जाम्पल मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे सी एच थ्री यहाँ पे लेते हैं एन एंड इधर भी क्या रखते हैं सी एच टू सी एच थ्री एंड यहाँ पे हम रखते हैं सी एच अब यहाँ पे देखें एन एल किल एन एल किल कहाँ पे लगेगा ये वाला नियम एंड ये वाला नियम कहाँ पे लगने वाला है अब यहाँ पर भी देख लें यहाँ पर मान लें हमने लिया सी एच थ्री एंड यहाँ पे हो गया एन इधर हुआ सी एच टू सी एच थ्री एंड यहाँ पे आ गया सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री Osionfish. तो हमको एमीन को सबसे लंबी श्रृंखला हमारी मुख्य श्रृंखला कौन होगी जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी तो अब इनमें से देखें इनमें से सबसे लंबी श्रृंखला यही है यहाँ पर भी एक ही कार्बन यहाँ पर भी एक कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ सबसे लंबी श्रृंखला जुड़ी होगी वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी तो ये क्या हो गया ये हमारा मुख्य श्रृंखला हो गया अब इसमें से देखें यहाँ पर एक कार्बन ये मुख्य श्रृंखला नहीं है यहाँ पर दो कार्बन ये भी मुख्य श्रृंखला नहीं यहाँ पर एक दो तीन तीन कार्बन है तो ये क्या हो गया मुख्य श्रृंखला हो गया और ये क्या हो गया प्रतिस्थापी समूह ये भी क्या है प्रतिस्थापी समूह अब जब देखें नाइट्रोजन से दोनों जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों प्रतिस्थापी समूह अगर समान होंगे नाइट्रोजन से जुड़े हुए अगर दोनों प्रतिस्थापी समूह समान होंगे तब ये वाला नियम लगेगा एन एन एन, एन, एन कॉमा एन डाई एल के लेल केना और जब नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों एलकिल समूह दोनों प्रतिस्थापी समूह भिन्न भिन्न भिन होंगे यहाँ पे देखें दोनों समूह समान है ये भी मेथिल है ये भी मेथिल है दोनों प्रतिस्थापी समूह हैं अब यहाँ पे देखें अलग अलग कैसे हैं डिफरेंट कैसे यहाँ पे मेथिल ग्रुप है यहाँ पे एथिल ग्रुप है दोनों प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हैं जब प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हों तो ये वाला नियम लगेगा और जब प्रतिस्थापी समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह एक समान हो तो ये वाला नियम लगेगा अब देखें यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़े हुए दोनों समान दोनों जो समूह हैं प्रतिस्थापित समूह हैं दोनों एक समान हैं तब ये वाला नियम लगाएंगे तो ये वाला कैसे नियम लगेगा ये भी देख लें एन कॉमा एन डाई का मतलब दो बार आया है दो बार है एल्किल एल्किल का मतलब एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितने कार्बन एक यहाँ पर भी कितने कार्बन एक एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मेथ उसके बाद लास्ट में वाई एल है क्या हो जाएगा मेथिल एन कॉमा एन डाई मेथिल एल्केीन क्या हो गया बड़ी श्रृंखला वाली एल्केमीन हो जाएगी बड़ी श्रृंखला वाला एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या बड़ी श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु है दो कार्बन परमाणु क्या हो जाएगा एथेनामीन क्या हो गया यहाँ पे एन कॉमा एक एन इसके लिए एक एन इसके लिए क्या हो जाएगा एन कॉमा एन डाई मेथिल. मेथिल कितने बार आया है दो बार एक बार इधर एक बार इधर डाई मेथिल एथेनीन इसके लिए एथेनामीन हो गया अब यहाँ पे कैसे होगा एन कॉमा अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन ग्रुप से जुड़े हुए दोनों जो प्रतिस्थापी समूह हैं ये अलग अलग हैं जब प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हों तो ये वाला नियम लगेगा एन एल्किल एन एल्किल किल अब कौन सा एन एल्किल पहले आएगा कौन सा एन एल्किल बाद में आएगा तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एल्किल ये कौन सा एल्किल ग्रुप है एथिल ग्रुप है कौन सा है एथिल ग्रुप है और ये कौन सा एल्किल ग्रुप है ये मेथिल ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है मेथिल ग्रुप है तो अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार देखेंगे अल्फ़ाबेट में एम पहले आता है कि ई e पहले आता है अल्फ़ाबेट जब हम काउंट करने जाएंगे तो अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है तो क्या लिखेंगे पहले ई वाला पहले होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका नाम एन एथिल उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा एन मेथिल एन एथिल एन मेथिल उसके बाद मुख्य श्रृंखला में देखें कितने कार्बन तीन कार्बन तो एल का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या तीन कार्बन परमाणुओं के लिए मूल क्या हो जाएगा प्रोप उसके बाद एनामीन क्या हो जाएगा प्रोपेनामीन क्या हुआ प्रोपेनामीन उम्मीद है समझ में आया होगा तो अब हम आगे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये नियम जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जो भी आपको समझ में आया हो ना समझ में आया हो आप बेफिक्र आप बता सकते हैं यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको यहाँ पे अगली वीडियोस में हम आपको बता दिया करेंगे सो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी नियम में अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पर तुरंत कमेंट में बता दें और हम आपको बेफिक्र हम बताएँगे ठीक है सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं तो ये अच्छी बात रहेगी अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ताकि ये नियम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए मैंने आपको बताया टर्सरी अमीन में टर्सरी अमीन में देखें नाइट्रोजन के साथ तीन एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तीन एल्किल में से एक मुख्य होगा और दो प्रतिस्थापी होंगे तो मुख्य कौन होगा प्रतिस्थापी कौन होगा ये हमने आपको अभी अभी समझाया तो आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात नहीं तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं इससे मान लीजिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हमने लिया सी टू एच फाइव एंड हीयर वीयर पुट एंड एंड ही ऑल्सो सी टू एच फाइव एंड यहाँ पर क्या आ जाए Uh, यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं सी एच टू सी एच टू एंड यो सी एच थ्री अब यहाँ पे आप देखें तो दो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ में एक ये हो गया और एक ये हो गया तो ये दोनों क्या हैं प्रतिस्थापी समूह हैं और यहाँ पे लंबी श्रृंखला दिख रही है एक दो तीन तीन कार्बन की श्रृंखला यहाँ पे मिल रही है तो ये हमारा मुख्य श्रृंखला हो गया तो ये क्या हो गया ये प्रतिस्थापी समूह हो गए नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं जब दोनों प्रतिस्थापी समूह समान हो देखें यहाँ पर भी सी टू एच फाइव है ये ये प्रतिस्थापी समूह भी क्या है सी टू एच फाइव है तो देखिए दोनों प्रतिस्थापी समूह एक समान है तो ये वाला नियम लगेगा क्या हो जाएगा एन कॉमा एन उसके बाद डाई डाई क्यों लगाए दो बार आया है क्या आया है दो बार एथिल ग्रुप आया सी टू एच फाइव क्या होता है एथिल तो डाई एल्किल तो क्या हो जाएगा डाई एथिल एल्क का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या दो कार्बन था दो कार्बन के लिए एथ लगा दिए लास्ट में वाई एल है उसके बाद एल्केनीन है आगे क्या है एल्केनामीन अब यहाँ पे देख सकते हैं एल्क का मतलब क्या होता है कार्बन परमाणु की संख्या तो आप यहाँ पे देखें ये इस उमख्य श्रृंखला में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है तीन कार्बन है तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा प्रोप उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा एन आ जाएगा उसके बाद एन एच टू ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं अमीन लगाते हैं और ये टर्सरी अमीन है तो यहाँ पे क्या आएगा अमीन तो अमीन आएगा आप यहाँ पे देखें जब ए से स्टार्ट हो रहा हो किसी वॉवल से द्वितीय का अनुलग्न तो यहाँ का ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा एन कॉमा एन डाई एथिल प्रोपेनामीन एन कॉमा एन डाई एथिल प्रोपेनामीन तो ये नियम आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद अगला हम देख लेते हैं इसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा सी टू एच फाइव एंड इधर लिखा हमने एन एंड इधर लिखा सी थ्री एच सेवन एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लीजिए यहाँ पे हम श्रृंखला बना रहे हैं सी एच टू सी एच टू सी एच टू एंड यो सी एच थ्री मान लीजिए ये हमको बताया गया अब ये नियम है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ, ये छोटी श्रृंखला है और ये भी तीन कार्बन की श्रृंखला है आप यहाँ पे देखिए ये श्रृंखला कितने कार्बन की है एक दो तीन चार चार कार्बन परमाणु की ये श्रृंखला है और ये टर्सरी यमीन है आप देख सकते हैं तो अब यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा जी ये वाला लगेगा कि ये वाला मैंने बताया कि जब दोनों प्रतिस्थापी समूह नाइट्रोजन से जुड़े हुए समान हों तब ये वाला लगेगा लगेगा अगर नाइट्रोजन से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह अलग अलग हों डिफरेंट हों भिन्न भिन्न हो तब ये वाला नियम लगेगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं एथिल सी क्या होता है एथिल अब यहाँ पे सी है इसको क्या बोलते हैं प्रोपिल या प्रोपाइल जो भी आप बोलें ठीक है आपका प्रोनांसिएशन अलग हो सकता है तो अब यहाँ पे देखें एन एथिल हो गया और एन प्रोपिल हो गया क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप के नाइट्रोजन से तो यहाँ पे एन लगेगा तो ये क्या हो गया एन प्रोपिल और ये क्या हो गया एन एथिल अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट में आप देखें पी पहले आता है कि ई पहले आता है जी तो पहले तो ई आता है ना अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी ई एंड देन उसके बाद कहीं आगे जाकर पी आएगा तो यहाँ पे एन एल्किल एल्किल में सबसे पहला वाला एल्किल क्या होगा एथिल वाला तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी एन एथिल उसके बाद अगला क्या है एन प्रोपिल या प्रोपाइल एन एथिल एन प्रोपिल उसके बाद देखिए मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है चार कार्बन चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा एल्क ब्यूट हो जाएगा ब्यूट उसके बाद सिंगल बॉन्ड है एन हो जाएगा एन एस टू ग्रुप के लिए अमाइन हो जाएगा ब्यूटिना माइन ठीक है ब्यूटिना माइन तो ये क्या हो गया एन एथिल एन प्रोपिल ब्यूटेना माइन एन एथिल एन प्रोपिल ब्यूटेना माइन ये हो गया अमीन का नामन तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन का नॉमन मैंने आपको बता दिया गया है एंड लास्ट है कि आपका इथर का नॉमन बच रहा है इथर का भी नॉमन हम देख लेते हैं तो ये हम, है, हम देख लेते हैं एनॉमन ऑफ ईथर ईथर का भी नामकरण हम देख लेते हैं सो लिखते हैं क्लेचर ऑफ ईथर ईथर का नाम कर हम देख लेते हैं इथर uh, का नाम कर हम करते हैं जी एलकाक्सी एल्केन इस तरीके से हम करेंगे एलकाक्सी एल्केन अब यहाँ पे आप देख लें एलकाक्सी किसे मानेंगे एल्केन किसे मानेंगे तो ईथर हम बनाते हैं जैसे मान लें हमारे पास है सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ये क्या है ईथर यह क्या है ईथर ईथर अब इसका नाम हम कैसे करेंगे एक को मानेंगे एलकॉक्सी एक को मानेंगे एल्केन अब इसमें से किसको मानेंगे एल्कोक्सी किसको मानेंगे एल्केन पर तो दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या है सेम कार्बन है ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम कार्बन है तो आप किसी को भी एल्कोक्सी मान लें किसी को भी एल्केन मान लें अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू एंड यहाँ पे आ गया ओ एंड यहाँ पे क्या है सी एच थ्री अब यहाँ पे देखें यह क्या है ईथर ईथर के दोनों साइड देखें कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है यहां पर एक कार्बन है ऑक्सीजन की इस साइड और ऑक्सीजन की इस साइड दो कार्बन है राइट साइड में कितने एक कार्बन लेफ्ट साइड में कितने दो कार्बन अब किसको एल्कोक्सी

जो ऑक्सीजन के जिस साइड छोटा कार्बन होगा कम कार्बन होगा उसको क्या मानेंगे एल्कोक्सी मानेंगे और ऑक्सीजन के जिस साइड कार्बन की बड़ी श्रृंखला होगी उसको एल्केन मानेंगे छोटी श्रृंखला को एल्कोक्सी बड़ी श्रृंखला को एल्केन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक कार्बन है एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा मिथॉक्सी क्या हो जाएगा एक कार्बन के लिए मिथॉक्सी तो क्या हो गया मिथॉक्सी एंड यहाँ पे एल्केन में देखें एक दो दो कार्बन है दो कार्बन के लिए एथ हो जाएगा एन लगा देंगे क्या हो गया इसका नाम मिथॉक्सी एथेन तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा अब ऐसे और एग्जांपल ले लें इसका साधारण नाम भी देख लें आप इसे कभी कभी दे दिया जाता है आपका इसका साधारण नाम तो इसको बोलते हैं डाई मेथिल ईथर ऑक्सीजन के लिए क्या बोलेंगे ईथर और डाई मेथिल क्यों बोला मेथिल कितने बार है दो बार इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल दो बार मेथिल है तो क्या हो जाएगा डाई मेथिल ईथर इसका नाम हो गया डाई मेथिल ईथर अब ऐसे ही आपको दे दिया जाए सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव इसका साधारण नाम इसका भी पूछ लिया जाए तो ये क्या है ईथर है इधर भी एथिल इधर भी एथिल दो बार एथिल है तो क्या हो जाएगा इसका नाम डाई एथिल ईथर इसका नाम क्या हो जाएगा डाई एथिल ईथर अब यहाँ पे देखें यहाँ पर एक साइड मेथिल है एक साइड एथिल है तो क्या हो जाएगा तब यहाँ ये इसके लिए क्या यूज़ करेंगे एथिल एंड इसके लिए क्या यूज़ करेंगे मेथिल अब आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे पहले मेथिल लगाएं कि एथिल तो अल्फाबेट में ई पहले आता है तो क्या हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर इसके लिए ईथर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर तो इसका साधारण नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर तो उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा एंड लास्ट आपका बचता है एनहाइड्राइड ग्रुप का तो एनहाइड्राइड ग्रुप का भी हम नामकरण देख लेते हैं उसका नामकरण कैसे होगा अब जी हम नॉमिन ऑफ एनहाइड्राइड ग्रुप का भी नामकरण हम देख लेते हैं तो देखेंगे हम नॉमिन ऑफ एनहाइड्राइड तो सबसे पहले हम देखते हैं एनहाइड्राइट ग्रुप क्या होता है जैसे मान लें यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पे कार्बन है कार्बन के साथ ऑक्सीजन एंड यहाँ पर फिर फिर से ऑक्सीजन यहाँ पर भी ऑक्सीजन एंड यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया है एनहाइड्राइट ग्रुप है इसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड हियर ओ एंड इधर भी आप ऐसा दिखा सकते हैं इसको एंड यहाँ पे आर सो ये क्या है एनहाइड्राइट ग्रुप है एनहाइड्राइट ग्रुप कैसे बनता है ये हम आपको बता दें देखिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे हीट किया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को तो यहाँ से क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा डिहाइड्रेशन होगा उसका तो वहाँ पे क्या बन जाएगा एनहाइड्राइड ग्रुप बनेगा अब यहाँ पे देखें जैसे मान लीजिए हमने लिया एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड हमने ले लिया है सी डबल ओ एच एसिटिक एसिड या इसके दो मोलिक्यूल लेते हैं सी एच थ्री सी डबल ओ एच ले लिया हमने अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको हम पी टू ओ फाइव इसके प्रेजेंस में इसको क्या कर देंगे हीट कर देंगे तो यहाँ से एच टू ओ बाहर निकल जाएगा एच टू ओ कैसे निकलेगा यहाँ से आप देखें एक जगह से एच निकल जाएगा एक जगह से ओ OH एच निकल जाएगा एच और ओ एच मिलकर क्या बना लेंगे एच टू ओ बना लेंगे एंड यहाँ पे बच्चा क्या आप देख सकते हैं सी एच थ्री सी एच थ्री एंड हियर सी ओ एंड एक ऑक्सीजन इधर एंड यहाँ पर भी क्या है देखें आप सी ओ एंड इधर क्या है सी एच थ्री अब आप इतना ग्रुप देख सकते हैं दोनों सेम है इधर सी एच थ्री सी ओ इधर भी क्या है सी एच थ्री सी ओ इसको ऐसा भी लिखा जाता है सी एच थ्री सी ओ इसका क्या कर देंगे ट्वाइस एंड यहाँ पे क्या है ओ है इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है यहाँ पर भी देखें आर सी ओ इतना ग्रुप सेम आर सी ओ इतना ग्रुप सेम ऑक्सीजन एक अलग है तो यहाँ पे इसको ऐसा भी दर्शाया जाता है आर सी ओ का क्या कर देंगे ट्वाइस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ तो ये क्या है एनहाइड्राइड ग्रुप क्या है ये एनहाइड्राइड तो अब यहाँ पे देखें जैसे ये क्या था एसिटिक एसिड ये क्या था एसिटिक एसिड दिस इज एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड से क्या बना एनहाइड्राइड बना तो इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एन इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड सो समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्या होता है एनहाइड्राइड एंड कैसे ये बनता है सो so, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अब इसका नामकरण भी हम देख लेते हैं इसका नामकरण कैसे किया जाता है अब यहाँ पर देखें इसका नामकरण दो तरीके से किया जाता है एक होता है एल के नोइ नोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एंड दूसरा भी है दूसरा कैसे uh, होगा जी दूसरा है एल्केनोइक के एनहाइड्राइड, एलके नोइक एल नोइक एनहाइड्राइड अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक ही बार एल्केनोइक एनहाइड्राइड है एंड यहाँ पे दो बार एल्केनोइक एनहाइड्राइड है अब हम आप आपको सिंपल सा बताते हैं कि कहाँ पे ये लागू होगा और कहाँ पे ये लागू होगा तो यहाँ पे देखते हैं आप जिसे मान लें यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ एंड ओ एंड योर सी ओ सी एच थ्री अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो मिडल वाला ऑक्सीजन है जो मिडल में ऑक्सीजन है इसके मिडल में